नमस्कार दोस्तों, आज 19 अगस्त है और आज के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़ें इसे लेके हम फिर से हाजिर हैं। आज जो सबसे पहली न्यूज़ है वो पहले पेज पे है, इनोवेशन इन हेल्थ केयर मस्ट बी पब्लिक गुड, है ना। जो इनोवेशन हो रहा है हेल्थ केयर सेक्टर में वो पब्लिक के उसमें आना चाहिए और पब्लिक गुड की तरह यूज होना चाहिए। और एक ग्लोबल जो साउथ है या ग्लोबल जो हमारी पहुंच है उसको सहयोग करके चलना पड़ेगा डिलीवरी के लिए या मतलब डिसीजन के लिए। ये कौन बोल रहा था? तो गुजरात के, जो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर में, वहाँ पे G20 की मीटिंग थी हेल्थ मिनिस्टर्स की, तो उसी पे ये बातें कर रही थी प्रधानमंत्री मोदी ने। तो ये एक पढ़ना है आपको। इसके बाद जो अगली न्यूज़ पढ़नी है हमें, पेज नंबर वन पे अगली न्यूज़ नहीं है, पेज नंबर सिक्स पे हमें पढ़ना है ना। तो पेज नंबर सिक्स पे चलते हैं। द इशू इज नॉट अबाउट GDP, एक आलोचनात्मक लेख है जिसमें सरकार पर ये दबाव लगाया कि हमें ये GDP जो बढ़ रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें जॉब चाहिए और हमें सिक्योरिटी चाहिए, हमें इसको बढ़ाना है। मतलब ये इनका कहना है कि असामान्य रूप से जो चीज़ें बढ़ रही हैं वो नहीं होना चाहिए, इसका जो लाभ है वो सभी तक, या आर्थिक समानता होनी चाहिए या आर्थिक समावेशन होना चाहिए, इसके बारे में बात की गई। तो आप इसे पढ़ लेंगे। और यहाँ पे कहा गया GDP बट इट्स JDP, है ना। तो JDP से अर्थ है जॉब्स डाटा एंड प्रोडक्ट, तो इस पे बात की गई है। इसे पूरा पढ़ें थोड़ा समझ में आएगा, क्योंकि ये जो कह रहे हैं वो वेलफेयर स्टेट की बात कर रहे हैं कि हमें काम पे या रोजगार देने पे ध्यान देना चाहिए। देखो क्या होता है कि यदि हम ऐसा करते हैं, सिर्फ रोजगार देने पे ध्यान देते हैं, तो हमारी अर्थव्यवस्था धीरे धीरे चरमराने शुरू कर देती है ना। ये सारी चीज़ें होती हैं। दो तरीके से हम कर सकते हैं, या तो हम नौकरी दे दें तो लोग खुश, पर सरकार खुश नहीं। जैसे फ्री बिजली देना तो लोग खुश, लेकिन सरकार के सेहत पर बुरा असर। फिर हमें क्या करना पड़ता है, बिजली फ्री देना बंद करना पड़ता है। तो इस तरीके के योजनाओं से अच्छा है कि हमें इस तरीके के मॉडल अपनाए जाने चाहिए, ताकि रोजगार के साथ साथ हम आत्मनिर्भर भी बना सकें, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। खैर इसे पढ़ लीजिएगा। इसके बाद है ये फैब वे टू कंडक्ट इंडिया जापान टेक्नोलॉजी डिप्लोमेसी, है ना। तो भारत और जापान के बीच में सेमीकंडक्टर को बनाने के लिए कुछ समझौते हुए हैं, तो उसी पे बात की गई है कि किस तरीके से ये दोनों मिल के बहुत अच्छे से बना सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, भारत के लिए क्या फ़ायदा है, किस तरीके की पार्टनरशिप है ना, दूसरे कैसे प्रभावित होंगे, इस पे बात की गई है, तो आप इसे देख लेंगे। इसके बाद है मटेरियल कंसिडरेशन। LK99 जैसे सुपर कंडक्टर के रूप में जाना गया था, अभी इस पे बहुत सवाल उठे हैं और उसी पे मतलब ये आर्टिकल लिखा गया है कि ये जो है सुपर कंडक्टर नहीं है, या इस तरीके की बहुत सारी दिक्कतें हैं इसके साथ, तो ये आप एक बार देख लेंगे। इसके बाद जो है पेज नंबर 9 पे हमें चलना है, और पेज नंबर 9 पे ये है कि पेज नंबर 9 पे क्रिमिनल लॉ बिल्स सेंट टू कमिटी ऑन होम अफेयर्स, ठीक है। तो होम अफेयर्स कमिटी पे भेज दिया गया है। 3 बिल तो आप जानते ही हैं कौन कौन से हैं, भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता और साक्ष्य अधिनियम, तो ये तीनों भेजे गए हैं। तो ये देखते हैं अगले क्या संसद के सत्र में क्या होता है, कितनी बहस होती है इस पे। होनी चाहिए, स्वस्थ बहस होनी चाहिए, है ना, उसके बिना काम नहीं चलना चाहिए, लेकिन फिर भी देखते हैं। तो ये थोड़ा पढ़ लीजिएगा आप। इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो पेज नंबर 11 पे है। पेज नंबर 11 पे क्या है, साइन ऑफ रिवाइवल एमिड ट्रेड स्लम्प, है ना, साइन ऑफ रिवाइवल एमिड ट्रेड स्लम्प, ठीक है। तो द ग्लूमी मर्चेंडाइज ट्रेड नंबर 4 जुलाई में होल्ड सम पॉजिटिव साइन ऑफ रेसिलियंस इन डोमेस्टिक डिमांड एंड रिवाइवल इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट विथ इम्पोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, मतलब कुछ थोड़ा सा बढ़ोतरी देखने को मिला है और ये अच्छी न्यूज़ है, तो इसको आप देख लेंगे। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, पढ़ लेंगे फिर भी। एक और न्यूज़ हमें जो देखनी है वो है चाइना एन एवर ग्रांड सीक US कोर्ट नॉड फॉर 32 बिलियन डेब्ट रिसेट, है ना। एम्बेटल्ड डेवलपर चाइनीज एवर ग्रांड ग्रुप हैज फाइल्ड फॉर बैंकरप्सी
प्रोडक्शन इन US कोर्ट एज पार्ट ऑफ वन ऑफ द वर्ल्ड बिगेस्ट डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग एक्सरसाइज। ऋण को दोबारा रिस्ट्रक्चर कराना या दोबारा उसको सही तरीके से कराना, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बहुत सारे इंटरेस्ट का पैसा नहीं देना चाहती कंपनियां, और इसी पे एक एवरग्रांड है, और वो जो है एवरग्रांड ग्रुप है वो 32 बिलियन डेब्ट को रिसेट कराना चाहती है, और इसी के लिए आवेदन दिया है अमेरिकी कोर्ट में। तो आप इसे पढ़ेंगे कि ऋण रिसेट क्या होता है, इसको जाके आप गूगल पे सर्च करेंगे कि यदि ऋण को रिस्ट्रक्चरिंग कराना होता है तो इसमें क्या क्या मतलब चीज़ें लगती हैं, या क्या क्या हो सकता है, क्या क्या संभावनाएँ हो सकती हैं, इसको आप ज़रूर पढ़िएगा। डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग, इस ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने दिया भी था। दोस्तों अभी तक आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं क्या और क्यों पढ़ने के साथ। धन्यवाद।